कांग्रेस की परिवर्तन बस यात्रा आज अपने आखिरी चरण में फरीदाबाद पहुंची, जहां जगह जगह यात्रा का जोरदार स्वागत गर्मजोशी के साथ किया गया। सड़कों पर भारी भीड़ देखकर कांग्रेस के दिग्गज नेता गदगद हो उठे। परिवर्तन यात्रा की पहली रैली फरीदाबाद के सेक्टर 16 की अनाज मंडी में कांग्रेसी नेता लखन सिंगला द्वारा आयोजित की गई थी और सुबह से ही भारी संख्या में लोग यहां जमा हो गए और यात्रा का इंतजार करने लगे। लेकिन यात्रा करीब 3 घंटे देरी से पहुंची, जिसके चलते दिग्गज नेताओं ने समय की कमी के चलते मंच पर ना पहुंचकर बस की छत से ही अपना संबोधन दिया। सर, यात्रा आपकी आज छठा दिन है, फरीदाबाद में प्रवेश की है, क्या अनुभव रहा है? मेरे ख्याल में तो बहुत ही अच्छा अनुभव, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैंने शुरुआत की थी 1987 में पंजाब से, तो अभी तक मैंने 7-8 स्टेटों में ऐसा किया है। पंजाब के बाद कर्नाटक में किया था, केरला में किया था, वहाँ तो दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर किया था, तमिलनाडु पांडिचेरी में किया था, फिर कर्नाटक में किया था, आंध्र प्रदेश में किया था, उत्तराखंड के जब पहले इलेक्शन हुए थे 2002 में तब भी किया था। और खुदा की मेहरबानी से, अल्लाह भगवान की कृपा से उन तमाम स्टेटों में हम जीत गए थे, स्वीप किए थे। और कई स्टेटों में लोकसभा राज्यसभा थे, ये लोकसभा और विधानसभा थे, वो स्टेटें भी स्वीप की। तो अगर वो उन 8 स्टेटों का अनुभव लें तो ये भी हम स्वीप करने चाहिए, अनलेस दे समथिंग रॉन्ग। तो मकसद हमारा था परिवर्तन लाने, क्योंकि जो सरकार आज दिल्ली में है वो किसान विरोधी सरकार है, वो युवक विरोधी सरकार है, बेरोजगारों को रोजगार देने में असफल हुई, महिला विरोधी सरकार है, हमारी बच्चों की रक्षा नहीं कर पाए, तो गरीब विरोधी सरकार है, कोई भी नीति उन्होंने बनाई। किसी की इसे फाइनल नहीं है, हम सब लीडरों से बात करेंगे, जो आप पार्लियामेंट के लीडर्स हैं उन सभी पार्लियामेंट के लीडरों से मैं स्वयं, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बात करेगी, जिसको लोग चाहेंगे उसको टिकट मिलेगा, हम किसी की टिकट ऊपर से थोपेंगे नहीं। कांग्रेस परिवर्तन यात्रा।